Good morning class. This is our new anaphysio class in which today we will study about a new topic of female reproductive system, that is oogenesis. पढ़ेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. जैसा अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में पढ़ा था वैसे ही फीमेल्स के अंदर ओजेनेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है. इसमें हम लोगों को मियोसिस जो चल रहा होता है जिसे ओवा का प्रोडक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. ओवा क्या होता है भाई? फीमेल गैमेट होता है. किससे बनता है? मियोटिक डिवीज़न से. आप जानते हैं भाई हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के सेल डिवीज़न चलते हैं, माइटोसिस और मियोसिस. माइटोसिस प्रीनेटल पोस्टनेटल लाइफ में चल रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर, और मियोसिस जो है वो पोस्टनेटल लाइफ में चलता है सिर्फ गोनाड्स के अंदर चलता है ना, जिससे कि जर्म सेल्स या गैमेट्स बनते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स ऑब्वियस है मेल में बनेंगे टेस्टिस के अंदर जिसको अपन स्पर्म्स कहते हैं, और फीमेल गैमेट्स जो है वो फीमेल्स में बनेंगे ओवरी के अंदर जिसको हम ओवा कहते हैं. और इस ओवा के ये गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को हम ओजेनेसिस कहते हैं. तो देखिए ओजेनेसिस क्या है? ओवम या एग का बनना जो कहाँ बनता है? ओवरी में. हालांकि ये फीटस स्टेज में ही शुरू हो जाएगा बर्थ से पहले. इसीलिए जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहाँ मैंने बताया था कि जब कोई गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो बहुत सारे फॉलिकल्स जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स लेकर के पैदा होती है. फॉलिकल्स उसके अंदर पहले से बने हुए होते हैं, पर हाँ मैच्यूरेशन जो होता है उन फॉलिकल्स का आफ्टर प्यूबर्टी देखने को मिल रहा होता है. ये वो फॉलिकल्स होते हैं जिसमें ओवा या एग होते हैं. तो ओवा या एग का बनना ही ओजेनेसिस होता है जो ओवरी में चलता है फीटस स्टेज में ही. ये कैसे चलता है? ये ओजेनेसिस का प्रोसेस फाइव स्टेजेस में चलता है. ओजेनेसिस भाई बच्चों ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस पर भी और ओजेनेसिस पर भी, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लीजिए. तो ओजेनेसिस फाइव स्टेजेस में चलता है. पहला जिसमें डिप्लॉयड ओगोनिया बनता है, सेकंड जिसमें प्राइमरी ओसाइट बनता है, थर्ड जिसमें सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, फोर्थ जिसमें सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे, और फिफ्थ ओवम का प्रोडक्शन और सेकेंड पोलर बॉडी का प्रोडक्शन होगा. अब सबसे पहले ओवरी के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती है ओवरी की, वो डिवाइड करती है रिपीटेडली तब तक जब तक कि खूब सारे डिप्लॉयड ओगोनिया नहीं बन जाते. अब आप जानते हैं कि भाई मैंने कहा ओवा जो है वो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, ये हमने पहले पढ़ा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पढ़ा दिया मैंने आपको कि ओवा क्या होती है हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, और किससे बनती है? मियोसिस से. पर स्टार्टिंग इसमें मियोसिस नहीं होता, स्टार्टिंग इसमें माइटोटिक डिवीज़न चलता है. माइटोसिस होता है जिसमें जर्मिनल एपिथेलियल माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा रिपीटेडली डिवाइड होती है और क्या बना लेती है? खूब सारे डिप्लॉयड ओगोनिया बनाती है. ये ओगोनिया ग्रो होकर के प्राइमरी ओसाइट्स बनाते हैं, और उन प्राइमरी ओसाइट्स के चारों तरफ फॉलिकल सेल की लेयर बन जाती है. जर्मिनल एपिथेलियल से डिप्लॉयड ओगोनिया बने थे, ओगोनिया आगे ग्रो करके प्राइमरी ओसाइट्स बनाएंगे, प्राइमरी ओसाइट्स के चारों तरफ क्या बन जाएगी? फॉलिकल सेल्स की लेयर बन जाती है. ये ओसाइट्स में सबसे पहले अब मियोटिक डिवीज़न शुरू होगा. इससे पहले जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें माइटोसिस चल रहा था, मियोसिस नहीं चल रहा था. थर्ड स्टेज के अंदर मियोटिक डिवीज़न जो है वो स्टार्ट होगा, जिससे कि सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेंगे. और ये कैसे होते हैं? ऑब्वियस है हैप्लॉयड नेचर के होते हैं क्योंकि मियोसिस चल रहा है, तो सेकेंडरी ओसाइट हैप्लॉयड नेचर का होता है. यहाँ जो हमने प्राइमरी ओसाइट बोला था ये डिप्लॉयड होता है, तो क्योंकि डिप्लॉयड ओगोनिया से बना था प्राइमरी ओसाइट भी डिप्लॉयड होता है. फिर इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा जिससे सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, ये हैप्लॉयड नेचर का होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी. अब ये फॉलिकल सेल्स प्राइमरी फॉलिकल को घेर लेती है और सेकेंडरी फॉलिकल बनाती है. प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनाती है? सेकेंडरी फॉलिकल. ये प्राइमरी फॉलिकल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है भाई बच्चों, सही कर लीजिएगा, ये आप खुद से इतना आप खुद कर सकते हैं. तो प्राइमरी फॉलिकल के ज़्यादातर फॉलिकल सेल्स आ जाती हैं,
और उससे क्या बन जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बन जाती है। ये फॉलिकल लेयर जो सेकेंडरी ओसाइट की है वो मोटी हो जाएगी और फोल्ड होकर के क्या बनाएगी, ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल बनने का मतलब है मैच्यूरेशन हो गया, इन फॉलिकल्स का मैच्यूरेशन हो गया, जो कब होता है भाई, प्यूबर्टी के बाद, आफ्टर प्यूबर्टी चलता है ये ग्रेफियन फॉलिकल का बनना, मैच्यूरेशन होना। जब ये ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाएंगे तो ये ओवरी वॉल की सरफेस तक चले जाएंगे और वहाँ पे रप्चर होंगे और उसमें से वो सेकेंडरी ओसाइट जो अभी थर्ड स्टेज में हमने कहा था बना था, जो हैप्लॉयड नेचर का था, ये सेकेंडरी ओसाइट निकलेगा। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले भाई, अब ये फिफ्थ स्टेज बाद में पढ़ेंगे, एक बार फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले क्या बना था भाई, सबसे पहले डिप्लॉयड ओगोनिया बना था जर्नल एपिथेलियल सेल्स के डिवीजन से, फिर ये ओगोनिया जो है वो ग्रो होकर के प्राइमरी ओसाइट बनाया जो डिप्लॉयड है, ये प्राइमरी ओसाइट जो है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जिससे सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेंगे, फिर ये फॉलिकल सेल जो है प्राइमरी फॉलिकल को कवर कर लेती है, उसको सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर देती है और डेवलप कर देती है, कन्वर्ट वर्ड तो यूज़ ना करें, डेवलप कर देती है, जिससे कि फॉलिकुलर लेयर जो है सेकेंडरी ओसाइट की वो मोटी हो जाएगी और फोल्ड होकर के ग्रेफियन फॉलिकल बनाएगी। जब ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं तो ये ओवरी की वॉल की सरफेस तक पहुंच जाएंगे और वहां पर रप्चर होकर के उसमें से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा जो हैप्लॉयड नेचर का होता है। ये सेकेंडरी ओसाइट में अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन चलेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तो ऊपर चला था जब प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट बना था, अब सेकेंडरी ओसाइट में सेकेंड मियोसिस चलेगा जब ये स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज्ड होगा। फाइनल प्रोडक्ट जो मियोसिस सेकंड का होता है वो कहलाता है ओवम, ये ओवम ही स्पर्म के साथ में डिवाइड होगा, सॉरी फ्यूज होगा, और यहाँ पर क्या बन रहा है, सेकंड पोलर बॉडी भी बन रही है। सेकंड मियोटिक डिवीजन से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन से ओवम जो मियोसिस सेकंड का फाइनल प्रोडक्ट है ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। तो ये फाइव स्टेजेस होती है ओजेनेसिस की। आप इनको चाहे तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर डालते हुए सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए, चाहे तो आप जो है इनको एरो एरो बना करके फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फ्लो चार्ट में आपको पूरी लैंग्वेज, बल्कि आप फ्लो चार्ट भी लिखे, लैंग्वेज तो यहाँ पर लिखे रखिए, ये जो रेड रेड जो पॉइंट्स बने हुए हैं उनको आप फ्लो चार्ट के अंदर खुद से बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने मेल रिप्रोडक्टिव में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, आज हमने ओजेनेसिस पढ़ लिया, दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं भाई अब क्या होता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में चलता है जबकि ओजेनेसिस ओवरी में चलता है। स्पर्मेटोजेनेसिस से ऑब्वियस स्पर्म बनेगा और ओजेनेसिस से ओवा या एग बनता है। स्पर्म्स थोड़े लार्ज सॉरी थोड़े स्मॉल साइज के होते हैं जबकि ओजेनेसिस लार्ज साइज के बिग सेल्स होती हैं। सेल स्ट्रक्चर, तो स्पर्म में तो चार पार्ट होते हैं, इसके हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, चार पार्ट से मिलके बनाता है ओजेनेसिस। तो सॉरी ओवा तो बेचारा गोल सा होता है, तो एक ही स्ट्रक्चर है, उसमें कोई पार्ट्स होते ही नहीं है। नंबर ऑफ गैमेट्स, तो चार फंक्शनल सेल्स इससे बन रही होती हैं, इस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा चार फंक्शनल सेल्स बनते हैं, कि ओजेनेसिस से केवल एक ही फंक्शनल सेल्स बनेंगी, बाकी तीन तो नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज होती हैं और एक फंक्शनल सेल होती है जिसको क्या कहते हैं, ओवा। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो बने थे वो चार सेल्स बनते हैं और चारों की चारों फंक्शनल होती हैं। चार सेल बनी ओजेनेसिस से भी है, पर उनमें से एक तो फंक्शनल सेल है और बाकी तीन पोलर बॉडीज होती है जो नॉन फंक्शनल होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस से चार फंक्शनल सेल्स बनती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस जो है वो लगातार चलता रहता है, जबकि ओजेनेसिस का मियोसिस कभी भी कंटिन्यू नहीं होता, ये मियोसिस वन में रुक जाता है, फिर मियोसिस सेकंड केवल तब चलता है जब स्पर्म पेनिट्रेट होता है सेकेंडरी ओसाइट में, केवल तब ही मियोसिस सेकंड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में तो मियोसिस कंटिन्यू चलता है। ऑर्गेनल्स की डेंसिटी देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पर साइटोप्लाज्म काफ़ी कम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भर गए तो साइटोप्लाज्म के लिए जगह होती नहीं बचेगी, जबकि ओजेनेसिस में बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो इसलिए ऑब्वियस है साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा उसमें पाया जाता है। पैरेंट सेल स्पर्मेटोजेनेसिस में इनफाइनाइट नंबर की सेल्स पाई जाती हैं जो कि आगे स्पर्म बनाएंगी। ओजेनेसिस में भाई लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होती हैं जो ओवा बना सकती है, क्योंकि बाकी तो ऐसे ही रप्चर वप्चर होकर के मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में ही निकल जाती हैं।
तो कर्फ्यू नंबर की सेल्स ही इसमें पाई जाती है, इसीलिए केवल एक युवा बन रहा होता है। अब वो तो डिफरेंस अपन ने इतने सारे पढ़ लिए थे, कितने हो गए थे भाई, 8 डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ लिए। अब कुछ सिमिलैरिटीज़ भी देख पढ़ लें तो 3 सिमिलैरिटीज़ होती है कि दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस दोनों प्रोसेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल रेस्पेक्टिवली उनमें चलता है। दोनों के दोनों ही हैप्लॉइड गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं जो आगे जाकर के फर्टिलाइज होकर के डिप्लॉइड प्रोडक्ट बनाएगा, और दोनों में मियोसिस डिवीजन चलता है। ये सिमिलैरिटीज़ है इनमें। अब ये चार्ट आपको बनाना है भाई, बनाना ही बनाना है, ये डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट बनाना ही है। ओवरी पहले आप बताएंगे कि देखिए ये फैलोपियन ट्यूब के पास ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, छोटे छोटे से प्राइमरी फॉलिकल्स बता रहे हैं, ये आगे मैच्योर होकर के डेवलपिंग फॉलिकल बना रहे हैं, ये और मैच्योर होकर के मैच्योर फॉलिकल बनाएंगे जिनमें सेकेंडरी ओसाइट होता है। फिर ये सेकेंडरी ओसाइट रप्चर हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी बनाएगा, जबकि ये रप्चर होने के बाद इसमें से क्या निकलेगा, सेकेंडरी ओसाइट निकलेगा। डिवीज़न देखिए भाई, जर्मिनल सेल डिप्लॉयड नेचर की होती है, फिर इसे प्राइमरी ओसाइट बनेगा जो डिप्लॉयड होता है, इसमें फिर मियोसिस फर्स्ट चलेगा जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी, और सेकेंडरी ओसाइट बनेगा जो डिप्लॉयड हैप्लॉयड नेचर का होता है। फिर अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन चलेगा, जो ऊपर फैलोपियन ट्यूब में दिखाया गया है कि स्पर्म आ रहे हैं भाई, 3-3 स्पर्म की स्ट्रक्चर देखिए, ये स्पर्म आ रहे हैं और ओवा के साथ में फ्यूज़ हो रहे हैं, अगर ये ऐसा चला तो सेकंड मियोसिस डिवीज़न चलेगा, जिससे कि पोलर बॉडीज़ भी दो और बनेंगी और सेकेंडरी ओसाइट से ओवम रिलीज़ होगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। तो 3 तो पोलर बॉडी बन गई, 2 फर्स्ट पोलर बॉडी थी और 3rd सेकेंड पोलर बॉडी, और 1 बन गया ओवा जो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी एन होता है इसमें। हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। ये ओजेनेसिस का फिर एक चार्ट, ये सारे चार्ट बनाने भाई आपको एग्जाम के अंदर, कंजूसी नहीं करनी बनाने के अंदर कि हमारे पास टाइम नहीं था, जगह नहीं थी, ऐसे बहाने नहीं चाहिए मुझे। ये ओजेनेसिस ओवेरियन सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें माइटोसिस होगा जिसे प्राइमरी ओसाइट बनेगा जिसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। अब यहाँ पर ओवरी में फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न चलेगा जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट बनेगा। सेकेंडरी ओसाइट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि ये मियोटिक डिवीज़न से बना है। इसका जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा स्पर्म सेल से, स्पर्म सेल भी कैसी है भाई, 23 क्रोमोसोम वाली हैप्लॉइड है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें सेकंड मियोटिक डिवीज़न चलेगा जिससे जाइगोट और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है ये डीजेनरेटिंग होती है, डीजेनरेट हो जाएगी, जबकि ओवा तो भाई आगे जब अगर डिवीज़न हो गया, फ्यूज़न हो गया था तो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा और बेबी बेबी बनेगा भाई, बेबी की डिलीवरी होएगी। देखिए अब ये कंपैरिजन दिखाया गया है स्पर्मेटो और ओजेनेसिस का। ओजेनेसिस में एम्ब्रियो 2N से प्राइमरी ओसाइट बना, डाइएस्टाइट स्टेज 4N बन गए, फिर सेकेंडरी ओसाइट जिसमें सेकेंड डिवीज़न चला 2N, फर्स्ट डिवीजन चला उससे तो बने 2N, और फिर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न चलेगा जिससे एक ओवा और एक पोलर बॉडीज बन गए। यहाँ पर भाई सेल्फ रिन्यूअल एम्ब्रियो या एडल्ट में देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस 2N से, वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो 4N, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2N और फिर इससे स्पर्मेटोजोआ 4 स्पर्मेटोजोआ NN के बन जाएंगे। बस इसके साथ ही आपका टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज लेता काफ़ी।